मैं नहीं चाहता कि अज आप फालतू दी गल्लां नाल टाइम खराब करिए, क्योंकि टाइम खराब करने का टाइम बिल्कुल नहीं अपने को, क्योंकि मान साहब का नवा इंटरव्यू आ गया। न्यूजीलैंड पहुँचने तो बाद उन्होंने एक निजी रेडियो स्टेशन अपना इंटरव्यू दिता, आप सुनते हैं कि मान साहब ने की क्या की गल्लां हुई। उस तो पहला एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दिओ, कमेंट करो, शेयर करो, तो जिहड़े नवे आए चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लियो। चलो वीडियो शुरू कर दे आपां। सीकाल नमस्कार ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल दोस्तों, इस टाइम अगर घड़ी दे इस टाइम देखा जाए तो 7:32 हो गए हैं, तो मेरी शिफ्ट का टाइम नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि जब दिल मजबूर हो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। तो अज साढ़े को ऐसी शख्सियत, ऐसे मेहमान अज साडे स्टूडियो तशरीफ लैके आए हैं जिन्हों का तुम भरपूर इंतजार कर रहे हो। 4 साल हो गए ने इन्हों वेख्या है, तो बिल्कुल इस टाइम वक्त जाया किए बगैर मैं तुम दसने पंजाब मौसीकी का मान। बबू मान जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम जी, सत श्री अकाल, राम राम। सर कैसी तबीयत, पहले सफर कैसा रहा? सफर वधिया। अच्छा, न्यूजीलैंड तुसी 4 साल पहले आए, तो हुण तुहानू इक इश्तियाक ते होएगा कि यार 4 साल बाद अपने दोस्तां नूं मिलना है। असीं घर थोड़ा जिहा निजी रजेवें जुड़ जे रहे, कोई सबब नहीं बनया। फिर 2 साल बाद उन्हें फिर उधर चले गए वापसी, तो इधर सबब नहीं बनया। अच्छा, हुण भी सबब पहले लेट बन रहा सी, फिर क्योंकि आस्ट्रेलिया वाले हाल का थोड़ा वो मिल नहीं सी रहे, बुकिंग थोड़ी जी लेट हो गई उन्हां दी। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਆਈਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਾਣਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਬਰੀਥ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा बहुत सर, मैं तुम अज वेखिया तो 4 साल पहले ताली मेरी मुलाकात दी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा सी। एक एक, एक ड्रीम होता ना कि एक सुपर स्टार ना तुसी गुफ्तगू। नहीं नहीं, मेरी एक तन ना हो गया रुतबा वैसे गाने वाले को होता है भी सुपर स्टार। मैं नहीं, मैं मैनूं लगता मैं किसान ही ठीक है, क्योंकि जब तक किसान है जब तक गाने की खेती करांगे, जिदन व्यापारी बन गए फिर वो खेती नहीं होनी, फिर शब्द मुक जाएंगे। सो आप भी कहना भी प्राउड टू बी अ फार्मर सन ऑफ सॉयल, जिदा आप कहने बस वही वही दे दिया करो माण बस। चलो ये रब की देन और तुहाडे च अज जो इनकसारी है ना जिहड़ी, ये इंसान नू इंसान वास्ते बड़ी और खास तौर पर स्टार वास्ते होंदी। सानू ये दसो, असीं सारे गल्लां पे कर देंदे आं, वो किहड़ा राज है, वो किहड़ी है चीज़ है जिहदे दिन ब दिन 4 साल पहले तुसीं आए सो तो तुसीं होर यंग होर खूबसूरती आ रही, सेहत दा राज की है? साडे पिंड च इक ना कहावत है वी जिहड़ा 3 टाइम खांदा उह रोगी है, जिहड़ा 2 टाइम खांदा उह भोगी है, जिहड़ा 1 टाइम खांदा उह योगी है। असी सवेरे कम लग जाने पर कोशिश होंगी भी रोटी नू होर लटकाया जाए, तो 4 बजे जाके एक बार खाई दे बस दब के। अच्छा, एक टाइम वाह, पानी पत्ते चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है जनाब। अच्छा सर जी, न्यूजीलैंड वाले इंतजार कर रहे सब कुछ नवी चीजा इन वास्ते इना दैट ड्यूरिंग दैट सर ये कहना ना जब तस्वीर संगीत हो जाए, जब आप काम कर रहे ना फिर आप ओदे वर्गे हो जाने, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਗੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 10 ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਾ, 14 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਥੀਅਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਉਹ ਨੌਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਵੀ ਛਾਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਲਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਊਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਖਣਾ
एक साडा कल्चर भी है, एक सकाफत भी, और इंसान की जहन की नक्काशी भी करता है। वैसे ख्याल किस तरह आया कि यार मैं करनी करनी वो नहीं लिखण का तो मैंने बहुत शौक है पहला तो ही नावल भी मैं पढ़ता सी पर चक्कर की होंगे कि वो गल है कि लिखण लिए बहुत वक्त चाहिए सी पहला पर जे थोड़ी प्रैक्टिस इन्नी हो जाए ना फिर जिदा हम मतलब मैं पहला गाने लिखता सी फिर मैंने लग्या कि गाने मेरी मैं आपकी स्पीड इन्नी बना ली मैं लगता गाना तो मैं सेकेंड च ही लिख लेना इदा ही जिन्हें दिन जिन्हें जिन्हें वक्त थानू पढ़न लगता समझ लो उदो एक मिनट वध ला लो लिखण नू बहुत गाने मैं लिखते नहीं मैं माइक ती गा दिना मेरे दिमाग चखा घूमता रहा थॉट मैं लिख लेना फिर मैं लगता कुछ बड़ा लिखा जाए फिर मैं किताब नू पूरी करिया फिर मैं लगता सी भी जो करोना काल जिहा सी उदो वेले सी ते मैं लग्या जे गाने करदे तां लोक आम कई वारी लोक कह दिंदे भी इन्हां नू इत्थे मौत मौत दा तांडव चलदा इन्हां नू गीतां दी सुझदी है ते मैं लग्या गाने नहीं करने चाहिए भी चलो ये महामारी है सी या बनाई हुई सी जो भी सी कारपोरेट युग की फिर मैं उदो फिर मैं हीर लिखनी शुरू करती मैं लगता सी इहदे च मैं बहुत ज़्यादा लिख सकदा मेरे को वक्त भी है फिर मैं एक हीर की किताब भी पूरी करी वह भी छापदा थोड़े दिन तक क्या बात है लगता बट मेरी हीर छंदा बहरा तो मुक्त है उहदे च मतलब कोई स्टैंजा किसी तर्ज च गाया जा सकता मैं उन्होंने गाने के हिसाब से बनाया कि जो फ्यूचर से उन्होंने गा के मैं नैट पर पाता क्योंकि अगे अगे बहुत बच्चे पढ़ते नहीं फिर वो सुनते ही हैं तो वो एक विजुअली एक किस्म की झाकी बन जूगी बहुत अच्छी सो छंदा बहरा तो मुक्त देसी हीर जी पहली बार जिसे अरबी फारसी के अक्षर नहीं होंगे ठेठ पंजाबी होगी बिल्कुल तेरी बुक के बारे गल हो रही है अच्छा तेरी सुच्चा सुरमा विचारक मत पे जो कोई कम चलता फिर आले दुआले सराउंड खच्चा जुड़ जांदी है फिर उस किस्म दी खच्चा साडे मित्रता च भी पै गई सी पर असी कदे किसी एक दूजे बारे मंदा नहीं सी बोलिया प्यार उन्ना ही सी जदों मिलदे सी ते ना मिलदे फिर अचानक फिर सारे सज्जन मित्र इकट्ठे हो गए कहिंदे इह क्या गल बड़ी माड़ी जी गल जी लगाई फिर असी इकट्ठे हो गए फिर असी विचार करिया कि की बनाया जावे फिर पहला सारा गढ़ी लिखी सी जिहड़ी सारा गढ़ी दोज ने उदों लिखी सी पर वो फिल्म मैं दाढ़ी भी खासी बधा इदो मैं जो पहला कनेडा शो पिछले शो तो पहला गए तो बड़ी लंबी दाढ़ी भी रखी हुई थी मैं एक साल दाढ़ी बधाई नैचुरल बाल भी लंबे करे थे गुटा जूड़ा कर बट वो लेट होंगी होंगी जानू किसी होर ने बनाती फिर सू लगे कि यह ना लगे कि इन्होंने रीस में बनाई है बट वो बनावे जरूर सारा गड़ी जी पंजाबी लिखी है उदो बाद फिर सबब बनया बी कोई होर कुछ लिखा जाए फिर मैं तो सोचिए तो आप बना क्योंकि तीन चार साढ़े दिमाग एक दुला पट्टी से बनाने फिल्म फ्यूचर जरूर बनावे जो वक्त मिले जो सुबह मिले बट वो फिल्म बनी बड़ी कमाल की लास्ट मूवमेंट से कोई फिर विचारक मत पे डायरेक्टर तो प्रोड्यूसर तो थोड़ा जहा हो गया चलो रजिट लेंगे बट फिल्म अच्छी बनी हशर वन आई थी तारी पार्ट वन पार्ट टू का है कोई प्लैनिंग असी लिखने लगे थे जो सा जिगरी मित्र से जो प्लॉटिंग से ना पेपर से पांच सत्त पेज मैनू हैबिट आ लिखने पहला असी पहली हशर बनाई थी उदों भी वो जी खाखा स्टोरी का वो मैं आप लिखता वो फिर जोड़े मेरे निजी मित्र से जोड़े अगर स्क्रिप्टिंग करते उन्हें डैथ हो गई मास्टर जी की वो करके रुक गया दूजा वाज शुरू कर लिया दस पेज लिख के भेजे थे तो लिख दिया हूँ तो उन्होंने समर्पित करने लिखनी पड़ी मैं बड़ा इंतजार कर रहा था तुम मेरे वादा करके कि असर नैक्सट फिल्म से दोनों इकट्ठे काम करा मैं तो ना भी सोच लिया खान ते मान ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋਰਜੀਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਵਸੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਓਵਰਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਲ ਕਾਲ ਯੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਜੀ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੀਨ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ 45ਵੇਂ 40ਵੇਂ 45ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ 35-40 ਸਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਨਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ
ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ पूरी दुनिया के जिथे जिथे पंजाबी सुनी जाती है लोग पहचानते हैं साडे कल्चर नूं बुलाया हर आर्टिस्ट की एक तमन्ना होंदी है एक उम्मीद होंदी है एक उहदा एक गोल होंदा है कि यार मैं इत्थे पहुंचना मैं कितने अच्छा हूँ तो यानी कि वो होना ना कि यार कि मैं उत्थे तक पहुंच गई या तुसी उस मंजिल तक पहुंच गए हो या जे तुहानू शोहरत भी मिली दौलत भी मिली फिर भी मन उदास है पता नहीं मैनू कड़ी चीज की तलाश है क्या असल च की होंदा कि आदमी सारी उम्र यह सोचता है कि मैं जो मैनू चंगा लगता जे मैं वो लिखना अजे मेरे अजे लिख नहीं हो अजे अपने लिखना अजे वो गाना है तो होपफुली करते रहा काम एक और मेरे दिन जा रहे अजकल क्योंकि पंजाब में मैं देखना कि क्रेज है गाना गाने का कुछ जिस जमाने तुम शुरू किया उस टाइम स्ट्रगल ज्यादा सी या आज दे दौर दे जिन्हें आज कोई स्ट्रगल नहीं है अच्छा जी आज दो तरीके हैं मशहूर होने के कड़े जी कुत्ते दे यार कहना कि फोटो पा दो नाल वो भी मशहूर हो जाता बंदा सोशल मीडिया हाँ सोशल मीडिया सो अब्यूजिव लैंग्वेज तुम गाओगे तो छेती मशहूर हो जाओगे वल्गैरिटी वाल चल जाओगे छेती मशहूर होंगे रैदर दैन थिंकिंग तुम जो कोई किसी चीज़ पर कटाक्ष करना माड़ा नहीं होंगे किसी माड़ी चीज़ से समाज की जी माड़ी चीज़ है उन्होंने दस देना माड़ा नहीं होंगे रैदर दैन अपना अपने वालों थोपी हुई माड़ी चीज़ें जो अं गावे तो शायद कई बार वो माड़ा असर छड़ जाए तुम लोग ऐसे गायक एक जिन्हों साड़ी एज के भी सुनते हैं सा तो वही एज के भी सुनते हैं हूँ जो बच्चे यंग जनरेशन आ रही उन्होंने कुछ दसो उन्होंने कोई मैसेज दे आर्टिस्ट हो दो जनरेशन तिना जोड़ के चलता आपके बजुर्गों अपनी हाणियों तो अपने पिछे वाले इट्स लाइक ए रिले रेस तुम इतों भजते हो वह अगे भजदा फिर सो संगीत का जोड़ा जो देखो की होंगे तुम वैसटर्न कल्चर हावी है पूरी दुनिया से मैं थोड़ी छोटी जी एग्जाम्पल दिना वैसट च दो तरह की गायकी चलती एक ब्यूटीफुल जी मेलोडियस है एक उत्थे चलती है अब्यूजिव लैंग्वेज जिदा रैप कह लो या हिप हॉप कह लो बट हिप हॉप एक एज तक ही सुन सकते हैं जो टीनएज टप जाती है ना जो बंदे नू पता है जो तुम टीनएजर होने थानू लगता भी आप खाण चल कुछ तो आप थोड़ी सोचते की खाना है जो मिल गया खा लिया बट हूँ जिमें व्डे हो जाओगे फिर तुम सोचते अज मैं अज तो मैं यार फलाने ढाबे से जाके फलाना फूड खाना थोड़े कुछ ऐसा ही संगीत है जो फिर वो मच्योर अवस्था चाहता है जोड़ा संगीत उदों अडोप्ट करता वो फिर आखिरी सह तक जाता है सो ये पूरी दुनिया च है संगीत च बिगड़ा होना आम गल है मान जी तुम गमगीन गीत भी गाए ने सैड भी गाए ने और शोक और चंचल भी गीत गाए ने तुहानू जाती तौर पर किहड़े गीतां दा ज़्यादा मज़ा आता है फीलिंग वाले या संगीत उही हुंदा जिहड़ा रूह नूं टुंब जावे अच्छा नचना टप्पणा देखो साडा काम है असीं ब्याहां च भी नचना वो एक वनगी है पर जिहड़ा जिहड़ा बैठ के ठहराव वाली जिहड़ियां चीज़ां ना उन्हां दा इक लगे रंग हुंदा वो भी जरूरी है ये वनगियां अलग अलग तुम कदम जीन पाने कद पजामा पाने ऐसा जो फूड खाने कद दाल खाने कदम बकरा भी बढ़ लेने होने सो ये अलग अलग वनगियां संगीत दी हर वनगी प्रवान होने चाहिए क्या बात है जी तो चाह रहे थे बहुत और भी गल करते रहिए वक्त भी नाल नाल देखना है ब्लैक स्टोन वाले बिजली भाई भी तुम बैठे सर धन्यवाद भी बहुत शुक्रिया कि तुम ऐसे आर्टिस्ट लैके आ रहे हो दसो सानू कैसा रिस्पोंस आ रहा है की हो रहा है चार शो हो रहे हैं इतने ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੀ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਔਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲ ਜਾਂ 24 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ 29 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਿਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਔਕਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਲਮੋਸਟ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਟਿਕਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ दूसरे ਤੇ ਲਮਾਂ ਜਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਔਨ ਟਾਈਮ
क्या बात है। देखो जी मैसेज मिल गया बलजीत भाई की तरफो भी, इन्हों भी अभी करने 62 बंदे देख रहे हैं। चलो खैर वो बंद खैर ही है, सानू जो बंदे इस टाइम जो इस टाइम साढ़े को बंदे बैठे इन्हों 62 मिलियन पीपल देखते हैं यार। ये नसीबत की गल हों मौजा होंगे ने बाद का तुम किसी का वो लेंदे रब ना करे ये जिंदगी किसी से गा दे। मैं गीत वाला बड़ा पसंद है, अगर तुसी मेरी ख्वाहिश अपना जिंदगी के हालात कैसे चल रहे हैं? जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी ये भी कई राह है। थोड़ा जा अपने बारे सोचो, फिर आपके पिंड बारे सोचो, फिर अपनी स्टेट बारे सोचो, फिर हौली हौली एशिया बारे सोचो। मेरा नजरिया सोचने का अलग है। मेरी बड़ी आकांक्षा है कि मैं रोज दो तरह की प्रेयर होंगी है। कुछ बंदे करते हैं भी मैनू कार मिल जाए, मैनू घर मिल जाए, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये दौड़ खत्म है। मैं पक्का मकान सेल पर लाया, मैं कच्चे च रहना चाहता, मैं मेरे को गड्डी है नहीं, मेरे दोस्त गड्डी भेज रहे हैं, मैं प्रोग्राम पर जाना होंगे। सो मेरी जी विश होंगी है सवेरे उठ के ये है कि जो सिल्क रूट है दोबारा चालू हो जाए, जो पुरातन जमाने सिल्क रूट से ना वो है सारा भारत पाकिस्तान एशिया साडा ईरान तक वो यूरोप तक जाता है, ग्रीस तक जाता है, जिसे ऑटोमैन अंपायर का पार करके जाता है। सो मेरी ये विश होंगी है कि जिस तरह यूरोप एक बन गया ना, एशिया भी एक बन गया। तो असी भी मतलब चार दिन की आउटिंग जिदा तुम कहने भी न्यूजीलैंड अभी किसी टापू से घूमे आइए, अभी भी ईरान भी जा आया करिए, सुखे मेवे सस्ते उतो ले आए, वाल भी आ जाओ कभी, असं तो वाल चले जाइए, यकीन मानो वो तो बिच ही है, फिर चाह थोड़े को पीजा करेंगे, फिर गाह अगली रात लाहौर तो ईरान लंघ जा करेंगे। क्या बात है, क्योंकि हम तो पहले तो अफगानिस्तान की सरकार कोई नहीं, हम तो उत्थे भी बन गई, और बड़ा सौखा हो जाऊगा जे जे सारे मुल्क के हैड थोड़े जे एफर्ट कर, भारत पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान अगे तो फिर सौखा जहा काम, फिर टर्की टुरकी तो फिर थोड़ा जा चलो साढ़े नौ थोड़ा जा ज़्यादा मॉडल हो गया। तो मैं लगता है देखो कितना सोहना रूट है, और दुनिया की सब तो खूबसूरत सड़क होगी है, किन्ने रंग है ये, किन्निया भाषावें तो किन्ने इलाके हैं, किन्नी तरह के बाने देखने मिलेंगे, किन्नी तरह का फूड होगा। तो मैंने लगता जो टूरिज्म की गल्ला करते हैं सारा एशिया खिंच के ले जाऊगा। सही कह रहे हो, साढ़े पार्ट्स ब्यूटीफुल पार्ट्स है। मैं एक एंड ऑफ बीजी जी पेंडू लुक आज भी एशिया च हैगी है, है जी विरासत लभदे है ना, वो मिट्टी की महक अजे भी उत्थे हैगी है, पर खुल जे तो तुम प्रेयर करया करो कि वो सिल्क रूट खुलन दोबारा। असी प्रे असी तो नमाजा पढ़ लेंदिया ने भाई जान के कुछ ना कुछ रास्ते खुलन, यकीन मैंने इन्नी मुहब्बत मिली है। मैंने जो तो मैं इतने आया अपने रेसली कहते जो इंडिया और पाकिस्तान तो जी बाहर निकलने ना, फिर सब लोगों को सही पता चलता है कि लोगों की लड़ाई होनी तो सरकार की लड़ाई उ ना जो सत्ता का परिवर्तन होंगे ना जी, वो जे जिन्हें उतों के एम एल ए एम पी उन्होंने ख्वाब होंगे कि मैं इदा कर दूंगा। आम लोगों का की है, तुम उन्ना ही टैक्स देना है। मान लो भारत पहला होर सरकार से असी उन्ना ही टैक्स देंगे, दूजिया भी उन्ना ही देने, काम उदा ही सवेर तो शाम तक करना। यह तो फोकी हल्लाशेरी है भी मैंने फलाना जानता है, बस इन्नी घटोर है साड़ी पिंड वाले की भी साढ़े ब्याह एम पी आया जी अच्छ बस इसी चौधर के भुखे हैं। चलो आशा करने उम्मीद करने कि तुहाडा शो बहुत खूबसूरत हो और रब तुहानू इस तरह इज्जत देवे, और मैं देख रहा कि तुहाडे च जरा ना एक सूफीज़म आ रहा, तुहाडा जो टच जा रहा ना वो इश्क हकीकी की तरफ हम जा रहा, कि सच्चाई एक होंगे इश्क मिजाजी और एक इश्क हकीकी लगता कोई टच हो रहा है। किसानी जी नाल जुड़ा है, मैं पिंडा नाल जुड़े हकीकत है। किसानी भी पहले तो बाबा जी ने जी कह थी ना कि हाथी भोज बीजो पहला अनाज जो सा अपना का मैसेज दिता जी बाबा जी, फिर वह दान करो तो लंगर लो। शायद उस दौर से असं कि हाथी काम करते हैं, फिर जिन्ना कम होंगे अपनी कमाई चो अद तो भी ज़्यादा उन्होंने परिवारों को भेज दी जावा रब करे तुम इस तरह करते रहो, लोग दुआव लेंगे रहो। सर थैंक्स यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, धन्यवाद। तो उम्मीद रही तो प्रोग्राम बहुत सक्सैस होगा। 23 तरीक में तुम लोगों ने जाना पीजा वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स सेंटर सॉरी ड्यू ड्रॉप इवेंट सेंटर के बबू मान जी ने जरूर मुलाकात होगी, मेरी उत्तर मुलाकात होगी। सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, धन्यवाद, वालेकुम सलाम।